हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मेरठ में अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर की मौत के मामले में सोमवार को वकीलों ने हंगामा कर दिया। कचहरी में आम सभा में अधिवक्ताओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ता आम सभा के बाद एसएसपी ऑफिस पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इसके बाद वकीलों ने एसएसपी ऑफिस में दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। एसएसपी ऑफिस से नदारद थे। इस दौरान एसपी सिटी से अधिवक्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। अधिवक्ताओं ने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे में विधायक की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। एसएसपी ऑफिस के बाद अधिवक्ताओं ने कमिश्नरी पर जाम लगाकर हंगामा किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक भाजपा विधायक दिनेश खटीक की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे हड़ताल पर ही रहेंगे। एसएसपी और कमिश्नरी चौराहे पर हंगामा करने के बाद अधिवक्ता कचहरी में चले गए। हालांकि इससे पहले अधिवक्ताओं ने एक सुर में कहा था कि भाजपा विधायक दिनेश खटीक की गिरफ्तारी के बाद ही वो काम पर लौटेंगे। आज जो हम यहां पे जाम लगा रहे हैं, यहां पे बार में प्रस्ताव पास हुआ है, जब तक विधायक खटीक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है जब तक जो है कोई भी अधिवक्ता शांति से नहीं बैठेगा। हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे। उसको हत्या में शामिल है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक दिनेश खटीक विधायक की जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई है। उसके साथी जितने हैं और जो है विधायक है, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है कोई भी अधिवक्ता शांत नहीं बैठेगा। सैकड़ों की संख्या में वकील सुबह कमिश्नरी के बाहर जुटे थे और वकीलों ने कमिश्नरी चौराहे पर जाम भी लगा दिया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कमिश्नरी और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ब्रिगेड की गाड़ियों बुलाई गई है। भाजपा विधायक की गिरफ्तारी न होने को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो संघर्ष समिति है उसने ये प्रस्ताव पास किया है, अगर जो है पुलिस प्रशासन इस गिरफ्तारी में देर लगाता है तो हम 22 जिलों में हड़ताल। आपने चक्का जाम भी किया है, कहां कहां चक्का जाम किया है? देखिए, हमने जो है एसएसपी का वो ब्लॉक किया है, कमिश्नरी ब्लॉक की है, ये रोड ब्लॉक की है और जब तक हम जाम को नहीं खोलेंगे जब तक विधायक की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है। विधायक जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है, उसके प्रेशर में आकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर के मामले में नामजद हस्तिनापुर के भाजपा विधायक दिनेश खटीक के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमूमन ऐसे मामलों में पुलिस नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर सबूत तलाशती है। इस मामले में पुलिस सत्ता के दबाव में दिख रही है। गंगा नहर पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद भी किसी भी नामजद आरोपी के घर दबिश तक नहीं दी है। सवाल है कि बिना गिरफ्तारी के पुलिस सबूत कैसे ढूंढ पाएगी? पहले भाजपा विधायक को नामजद करने से बच रही पुलिस, अब उन्हें गिरफ्तार करने से भी बच रही है।